हिमाचल प्रदेश में सियासी माहौल गर्माया हुआ है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर तीखे जुबानी हमले बोल रही है। इसी बीच कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रभारी मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। देखिए, सबसे पहली बात तो हमने जो अग्निपथ योजना लाई है सरकार, उसके ऊपर हमने कहा है कि ये हमारे प्रदेश के सैनिकों के जो युवा हैं उनके साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है, या पूरे देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अगर आप ये लेके चलें कि हमारे तकरीबन 4,200 नौजवान सेना में हर साल जाते थे, अभी ऑल इंडिया ऑल क्लास होने के बाद हमारे 400 या 500 से ऊपर जवान सेना में नहीं जा पाएंगे। उनमें से भी 75% मतलब तकरीबन 300 नौजवान जो हैं 4 साल के बाद घर वापस आ जाएंगे। तो आप ये देखिए, आप लोग भी, कोई लोग गांव से आते होंगे, एक गांव से 4 लड़के जाएं और 3-4 साल के बाद 3 लड़के घर वापस आ जाएं रिजेक्ट होकर, उनके दिल में मलाल होगा कि उनके दिल में देश की भावना होगी? मलाल ये होगा कि मैंने वही रिटन टेस्ट पास किया, वही फिजिकल टेस्ट पास किया, अच्छी तरीके से नौकरी की, मुझे किस बात पे बाहर निकाला गया? तो युवा के दिल में गुस्सा होगा, ना कि देश के लिए प्रेम की भावना होगी। और आप ये लेके चलिए, दूसरा जो हमें ये है, वन रैंक वन पेंशन का इशू लिया है, जिसको कि हमने विस्तार में बतलाया। जो ECHS की फंडिंग है उसके बारे में बात की। एक और पहलू जो मैं अभी बताना नहीं बताया है, वो है हमारे 2014 से पूर्ण जो हमारी पहले जो हमारी CSD की एंटाइटलमेंट्स होती थी, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की, उनको पूरी तरह से कट किया गया और अभी ऐसे लिमिट लगा दिए गए जो कि हम अपने परिवार के लिए बहुत कमी महसूस करते हैं। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।